या आशिकुल मुस्तफा अबशर बिनैलिल मुना, या आशिकुल मुस्तफा अबशर बिनैलिल मुना, कद रक कसु सफा सफा असफा वा तब वफदुल हना, نور جمال بدا من وجه الشمس الهدى, نور جمال بدا من وجه الشمس الهدى, من وجه الشمس الهدى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. تمام تعريف الله کے لئے ہیں, مدحی تعریف کرتے ہیں اور سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. हम पनाह मांगते हैं अल्लाह अज़्ज़वजल की खुद की बुराइयों से और तमाम बुरे कामों से. जिसे भी अल्लाह की हिदायत मिले उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे अल्लाह ने गुमराह किया उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता. हम गवाही देते हैं कि इबादत का हकदार सिर्फ अल्लाह है और कोई उसका शरीक नहीं, और गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल है, और अल्लाह अपनी सलामती भेजे अपने आखिरी नबी पर, उनके अहले आल पर, उनके सहाबा पर. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. जो भी हक मैं आप लोगों के सामने पेश करूँ वो अल्लाह ताला की तरफ से, और अगर मुझसे कोई गलती या कोताही हो जाए तो मेरी तरफ से और शैतान की तरफ से. सूरह हामीम सजदा चल रहा था, 25 जो इंशाल्लाह ताला हम करेंगे, उसकी तरफ लौटाया जाता है इल्म क़यामत का. यानी क़यामत का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को है, और नहीं निकलता फलों में से, उसकी गिलाफों में से, और नहीं उठाई कोई मादा और ना जानती मगर उसके इल्म के साथ. यानी सिर्फ अल्लाह ताला को ही इन चीज़ का इल्म है. और जिस दिन वो पुकारेगा उनको और पुकार कर कहेगा कहाँ है मेरे शरीक, वो कहेंगे हम अर्ज कर चुके आपको, नहीं हम में से कोई गवाह. यानी हम कोई गवाह, हम आज गवाही देते हैं कि कोई शरीक नहीं है, लेकिन वो गवाही दुनिया में देना है, उस दिन की गवाही काम नहीं आएगी. और गुम हो जाएंगे उनसे जो थे वो पुकारते इससे पहले, यानी क़यामत से पहले जिन जिनको इंसान पुकारता था, और वो समझ लें कि नहीं उनके लिए कोई जाए पनाह, नहीं थकता इंसान भलाई की दुआ, और अगर छू जाती है उसको शर तो मायूस हो जाता है बहुत नाउम्मीद. यानी यहाँ पर अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि इंसान खैर आफियत की दुआ जब तक जिंदा है करता रहता है, लेकिन जब कोई तकलीफ पहुँचती है तो बहुत नाउम्मीद हो जाता है. और अलबत्ता अगर चखाते हम इसको कोई रहमत अपनी तरफ से तकलीफ़ के बाद, तो पहुँचता है उसको अलबत्ता, ज़रूर कहता है ये मेरे लिए है, और नहीं मैं गुमान करता क़यामत को क़याम होने वाली. यानी नाशुक्रा हो जाता है और क़यामत को दुनिया की नेमतों में भूल जाता है. और अलबत्ता अगर मैं लौटाया गया तरफ अपने रब की, यकीनन मेरे लिए उसके पास अलबत्ता बेहतरी है. यानी जिस तरह दुनिया में मुझे बेहतरी मिली, उस तरह अगर मैं क़यामत का दिन कायम भी होगा तो आखिरत में मुझे बेहतरी मिलेगी, ये सोचकर बैठता है. बस अलबत्ता हम ज़रूर आगा करेंगे उन लोगों को जिन्होंने कुफ्र किया. तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कुफ्र के साथ भले ही दुनिया में तुम्हें भलाइयाँ मिले हों, लेकिन आखिरत में कुफ्र के साथ साथ भलाइयाँ मिलना ये पॉसिबल नहीं है. साथ उसके जो उन्होंने काम किया, और अलबत्ता हम ज़रूर चखाएँगे उनको अज़ाब में से सख्त, यानी जो इनकार करेगा अल्लाह ताला का और क़यामत के दिन का और रसूलों का और क़ुरान का. और जब हम इनाम करते हैं इंसान पर, वो एराज बरतता है, यानी बेरुखी करता है और मुंह मोड़ लेता है अपने पहलू को, और जब पहुंचती है उसको तकलीफ तो दुआ करने वाला होता है लंबी चौड़ी. यानी इंसान की वो बताई जा रही है कि शुक्रगुजार बहुत कम होता है, लेकिन जब तकलीफ होती है तो अल्लाह ताला से दुआएं करता है. तो अल्लाह ताला से टू बी कनेक्टेड विद अल्लाह सुभान व तआला, शुक्र करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है.
क्योंकि तकलीफ में तो वी गेट कनेक्टेड टू अल्लाह सुबहाना ताला, क्योंकि तकलीफ से नजात चाहिए, लेकिन शुक्रगुजारी में बीइंग कनेक्टेड टू अल्लाह सुबहाना ताला, दैट इज द रियल कनेक्शन विद अल्लाह सुबहाना ताला। कह दीजिए क्या गौर किया तुमने, अगर हुआ है तरफ से अल्लाह के यानी कुरान, फिर कुफ्र किया तुमने, उसका कौन ज्यादा भटका हुआ है, उससे बढ़कर वो जिद में है दूर की। यानी अब कुरान के ऊपर शक कर रहे हो, लेकिन डेफिनेटली अगर वो अल्लाह की तरफ से है, यानी डेफिनेटली है, ये हमारा तो यकीन है, लेकिन जो यकीन नहीं करते उनसे कहा जा रहा है कि अगर ये अल्लाह की तरफ से है फिर तुम्हारा क्या होगा, अनकरीब हम दिखाएंगे उनको अपनी निशानियाँ मशरक में, यानी कायनात में है ये जहाँ ज़मीन और आसमान मिलते हैं, और उनके नफ्सों में यहाँ तक के वाजे हो जाए उनके लिए कि वो हक है यानी कुरान। क्या भला काफ़ी है तेरे रब के साथ, बेशक वो हर चीज़ पर गवाह है, खबरदार बेशक वो शक में है अपने रब की मुलाकात से, खबरदार बेशक वो साथ हर चीज़ के घेरे हुए है या फिर इहाते में हुए, यानी अल्लाह ताला के ग्रिप में हर चीज़ है, हमारी सांस से लेकर, हमारी धड़कन से लेकर, हमारी शर से लेकर, हमारी खैर से लेकर, आसमान से लेकर, कायनात से लेकर, कयामत से लेकर, दुनिया से लेकर, आज के दिन से लेकर, हर दिन अल्लाह के ग्रिप में है। ये अल्लाह ताला की कुदरत है, तुम भूलो मत। आज थोड़ा सा पावर है, थोड़ा इल्म है, थोड़ा वो है, तो इतराओ मत, बट एवरी थिंग इन दिस यूनिवर्स इज इन द ग्रिप ऑफ अल्लाह सुभाना ताला। सूरह शूरा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और बार बार रहम करने वाला है। हाम मीम ऐन सीन क़ाफ, ये हुरूफ़ से मुक़त्तियात हैं। इसी तरह वही करता है आपकी तरफ और तरफ उन लोगों के आपसे क़ब्ल ने पिछले रसूलों पर। अल्लाह ताला ग़ालिब है, हिस्मत वाला है, यानी जो अल्लाह ताला ग़ालिब है, फुल इख्तियार रखने वाले हैं, और जो ज़बरदस्त है और जो हिस्मत वाले हैं, उनकी तरफ से ये कुरान नाजिल हुए जो बिल्कुल परफेक्ट है। उसके लिए है जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ ज़मीन में, और वो बुलंद है, बहुत बड़ा है, करीब है आसमान के फट पड़े यानी क़यामत के लिए, अपने ऊपर से, और फरिश्ते वो तस्बीह कर रहे हैं साथ हम्द के अपने रब की, और बख्शिश मांगते हैं वास्ते उनके जो ज़मीन में है, खबरदार बेशक अल्लाह ताला वही गफूर रहीम है। और वो लोग जिन्होंने बना लिए उसके सिवाय कुछ दोस्त, अल्लाह ताला निगहबान है उन पर, और नहीं आप उन पर हवालेदार। और इसी तरह वही की हमने आपकी तरफ कुरान अरबी में, ताकि आप खबरदार करें मक्का वालों को और जो उसके आसपास है, और तुम खबरदार करो जमा होने के दिन से, ने कयामत के दिन से, नहीं कोई शक उसमें, एक ग्रुह जन्नत में और एक ग्रुह भड़कती हुई आग में। डिपेंड्स कि कौन अपने रसूल की बात मानता है और कौन इनकार करता है। और अगर चाहता अल्लाह ताला अलबत्ता बना देता एक ही उम्मत, लेकिन दाखिल करेगा जिसको चाहेगा अपनी रहमत में, यानी जिसको हिदायत मिल गई वो अल्लाह की रहमत में है, और जालिम नहीं उनके लिए कोई दोस्त और ना कोई मददगार, या उन्होंने बना रखा है उसके सिवाय कुछ सरपरस्त, बस अल्लाह ताला वही सरपरस्त है, और वो जिंदा करेगा मुर्दों को, और वो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। और जो भी इख्तलाफ किया तुमने उसमें किसी चीज़ में, तो उसका फ़ैसला तरफ अल्लाह के है, यानी क़यामत के बारे में, कुरान के बारे में, रसूल के बारे में, दीन के बारे में, सब फ़ैसला अल्लाह ताला क़यामत के दिन करेंगे। ये है अल्लाह ताला रब मेरा, उसी पर मैंने भरोसा किया और उसी की तरफ मैं रुजू करता हूँ। पैदा करने वाला है आसमानों का और ज़मीन का, यानी जो अल्लाह ताला आसमान और ज़मीन को पैदा करते हैं, क्या उसकी तरफ हम रुजू नहीं करेंगे, क्या उसकी तरफ हम तवक्कल नहीं करेंगे। उसने बनाया तुम्हारे लिए तुम्हारे नफ्सों में से जोड़े और मवेशी जानवर में से जोड़े, फैलाता जा रहा है तुमको इसमें यानी ज़मीन में, वही है उसकी मानिंद कोई चीज़, यानी अल्लाह ताला की तरह कोई चीज़ नहीं है। ये कई दफ़ा जो है मैं पहले ले चुकी, लई सकमिस ली शेउन, अल्लाह ताला से कनेक्टेड होने के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है कि ऑलवेज हैव टू रिमेंबर कि लई सकमिस ली शेउन, अल्लाह ताला की तरह कोई चीज़ नहीं है, ना उसकी रहमत में, ना उसकी मर्सी में, ना उसकी कुदरत में, ना उसकी ताकत में। वी कैन नॉट कम्पेयर अल्लाह सुबहाना ताला विद एनी थिंग। इंसान का छोटा सा जो दिमाग है, इट ट्राइज टू कम्पेयर अल्लाह सुबहाना ताला विद डिफरेंट थिंग्स या थिंग्स अराउंड हिम, लेकिन अल्लाह ताला की तरह कोई चीज़ नहीं है। हम उसकी किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, और वह सुनने वाला है, देखने वाला है, उसके सुनने और देखने को भी हम किसी चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। उसके लिए है कुंजियाँ आसमानों की और ज़मीन की, यानी हर चीज़, हर कंट्रोल अल्लाह ताला के हाथ में फैलाता है, बस जिसके लिए चाहता है, ना पातला बेशक वो हर चीज़ के साथ जानने वाला है। उसने मुकरर किया तुम्हारे लिए दीन में से जिसकी वसीयत की साख इसके नूह अलैहिस्सलाम को, और वो चीज़ जो वही की
हमने आपकी तरफ और जो वसीयत की हमने साथ इसके इब्राहिम को और मूसा को और ईसा को कि कायम करो दीन को और न तुम इख्तलाफ करो इसमें, यानी अल्लाह ताला ने सिर्फ एक तौहीद के पैगाम के साथ तमाम रसूलों के साथ को भेजा और इसमें कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। बड़ा भारी है मुशरिकों पर जो तुम बुलाते हो उनको तरफ, इसके यानी एक अल्लाह की तरफ जो तुम बुलाते हो मुशरिकीन को बहुत भारी लगता है। अल्लाह ताला खींच लेता है या चुन लेता है अपनी तरफ जिसको चाहता है और हिदायत देता है जो रुजू करता है। रुजू करना यानी फिर अगेन जो है जो अल्लाह की तरफ पलटता है। रुजू करना यानी जब हम डिसकनेक्टेड होते हैं अल्लाह ताला से, गेटिंग कनेक्टेड टू हिम अगेन एंड अगेन। तो जैसे इंसान बार बार अल्लाह ताला से कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है तो वैसे वो हिदायत पर रहता है और नहीं इख्तलाफ किया। मगर बाद इसके जो आ गया उनके पास यानी दूसरी किताबें सरकशी की वजह से उनके अपने दरमियान, और अगर ना होती एक बात जो पहले गुजर चुकी तेरे रब की तरफ से एक वक्त मुकर्रर तक, यानी कयामत के दिन फैसला होगा और उसका दिन फिक्स्ड और अपॉइंटेड है, अलबत्ता फैसला कर दिया जाता उनके दरमियान, और बेशक वो लोग जो वारिस बनाए गए किताब के उनके बाद अलबत्ता शक में है उसकी तरफ से बेचैन कर देने वाले, बस इसलिए बस बुलाओ और कायम रहो जैसे कि आपको हुक्म दिया गया, और न तुम पैरवी करो उनकी ख्वाहिशात की, और कह दीजिए मैं ईमान ले आया साथ उसके जो नाजिल किया अल्लाह ताला ने किताब में से, और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं अदल करूं तुम्हारे दरमियान। अल्लाह ताला हमारा रब है और तुम्हारा रब है, हमारे लिए हमारे आमाल और तुम्हारे लिए तुम्हारे आमाल, नहीं कोई झगड़ा हमारे दरमियान और तुम्हारे दरमियान, अल्लाह ताला जमा करेगा हमारे दरमियान और उसी की तरफ लौटना है। यानी अब यहाँ पर एक हद तक काफिरों को अल्लाह की तरफ बुलाया जा सकता है और उसके बाद डिक्लेयर कर देना है कि वट एवर यू डू यू आर रिस्पॉन्सिबल, वट एवर वी डू वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। और वो लोग जो झगड़ते हैं अल्लाह के बारे में बाद इसके जो लब्बैक कह दिए गए उसके लिए, उनकी हुज्जतबाजी कमज़ोर है उनके रब के नज़दीक और उन पर गज़ब है और उनके लिए सख्त अजाब है। अल्लाह वो ज़ात है जिसने नाजिल की किताब यानी कुरान हक के साथ और मीज़ान को यानी कंटेनिंग द बैलेंस यानी ट्रुथ एंड बैलेंस, कोई बातिल चीज़ नहीं है इसमें और कोई एक्सट्रीम चीज़ नहीं है। और क्या चीज़ बताए तुझको शायद के क़यामत करीब ही हो, यानी क़यामत बहुत करीब है, जल्दी मांगते हैं उसको वो लोग नहीं जो ईमान लाते इस पर, यानी क़यामत पर ईमान नहीं लाने वाले वो जल्दी मांगते हैं, और वो लोग जो ईमान लाए डरने वाले हैं इससे किसे क़यामत के दिन से, और वो इल्म रखते हैं कि बेशक वो हक है। इट हैज टू हैपन, खबरदार बेशक वो लोग जो बहसें करते हैं क़यामत के बारे में अलबत्ता खुली गुमराही में हैं। अल्लाह ताला मेहरबान है अपने बंदों पर, रिज़्क देता है जिसको चाहता है और वो क़ुव्वत वाला है गलबे वाला है। जो कोई है इरादा रखता आखिरत की खेती का यानी आखिरत में अच्छा सवाब और बेहतरीन अच्छी चीज़ पाने वाला, हम ज़्यादा कर देते हैं उसके लिए उसकी खेती में यानी उसके अजर में। और जो कोई है इरादा रखता दुनिया की खेती का यानी जो दुनिया चाहता है हम देते हैं उसको उसमें, और नहीं उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा, यानी जो खेती देके खेती में एफर्ट्स लगते हैं तो जो दुनिया के लिए एफर्ट्स करता है उसको दुनिया में उसके अंजाम या फिर फल मिलता है, जो आखिरत के लिए एफर्ट्स डालता है उसको आखिरत में अंजाम मिलता है और आखिरत के अंजाम में अल्लाह ताला उसको मल्टीप्लाई करके देते हैं। या उनके लिए कुछ शरीक है जिन्होंने मुकर्रर कर रखे हैं उनके लिए दीन में से जिसका नहीं इजाज़त दी साथ इसके अल्लाह ने, अल्लाह की इजाज़त के बगैर हाउ कैन यू मेक मीडिएटर्स या फिर शरीक विद अल्लाह सुबहान ताला। और अगर ना होती बात फैसले की यानी क़यामत के दिन फैसला हो गया अलबत्ता फैसला कर दिया जाता उनके दरमियान, और बेशक जालिम लोग यानी शिर्क करने वाले उनके लिए अजाब है दर्दनाक। तुम देखोगे जालिमों को डर रहे होंगे क़यामत के दिन उससे जो उन्होंने कमाई की और वो वाक़ होने वाला है उन पर, और वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अमल किए अच्छे जन्नतों के बागों में होंगे, उनके लिए जो वो चाहेंगे उनके रब के पास, यही वो फजल है बड़ा। ये वो चीज़ है खुशखबरी देता है अल्लाह ताला अपने बंदों को वो जो ईमान लाए और उन्होंने अमल किए अच्छे, कह दीजिए नहीं मैं मांगता तुमसे इस पर कोई अजर, यानी आप जो तौहीद की दावत दे रहे हैं उस पर कोई पेमेंट कोई अजर नहीं मांग रहे हैं सिवाय मोहब्बत के कराबतदारी में, यानी एक दूसरे से मोमिन मोहब्बत करे और जो कमाएगा कोई नेकी हम इजाफा कर देंगे उसके लिए, यानी 10 times to 100 times to 700 times to मल्टीप्लाई करके देंगे उसमें खूबी का, बेशक अल्लाह ताला बख्शिश फरमाने वाला और कदरदान है। या वो कहते हैं यानी कुफारे मक्का, उसने गढ़ लिया अल्लाह पर झूठ
फिर अगर चाहता अल्लाह ताला मोहर लगा देता तेरे दिल पर और मिटा देता है अल्लाह ताला बातिल को और हक कर दिखाता है हक को अपने कलिमात के साथ, बेशक वो जानने वाला है सीनों के भेद को। और वो अल्लाह ताला वो ज़ात है जो कबूल करता है तौबा को अपने बंदे से और दरगुजर करता है बुराइयों से, और वो जानता है जो तुम करते हो और जवाब देता है उन लोगों को जो ईमान लाए और उन्होंने अमल किए अच्छे, और ज़्यादा देता है उनको अपने फजल से, और काफिर लोग उनके लिए अजाब है शदीद। और अगर खोले अल्लाह ताला रिस्क को अपने बंदों के लिए, अलबत्ता वो बगावत कर दे ज़मीन में, यानी हर एक को अल्लाह ताला अगर अमीर बना दे तो फिर आपस में लड़ बैठे लोग, लेकिन उतारता है साथ अंदाजे के जो वो चाहता है, यानी कोई अमीर कोई गरीब है तो इसलिए जो है फसाद नहीं है, बेशक वो अपने बंदों के साथ खबर रखने वाला देखने वाला है। और वो अल्लाह ताला वो ज़ात है जो उतारता है बारिश को इसके बाद के वो मायूस हो गए, फैला देता है अपनी रहमत को, और वो कारसाज है तारीफ वाला है। और उसकी निशानियों में से पैदाइश आसमानों की और ज़मीन की और जो भी उसने फैला दिया उन दोनों में जानवरों में से, और वो उनके जमा करने पर यानी हशर के दिन जब भी वो चाहे कुदरत रखने वाला है। और जो भी पहुंचती है तुमको कोई मुसीबत बस बवजह इसके जो कमाई की तुम्हारे हाथों ने, और वो दरगुजर करता है बहुत सी चीज़ों को, यानी हम पर जो मुसीबत गुजरती है वो हमारे गुनाहों की वजह से है, अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे हैं। और जो छोटी छोटी मुसीबत पहुँचती है वो तुम्हारे गुनाहों की वजह से है, और अगर तुम्हारे जितने गुनाह हैं उसके बनिस्बत अल्लाह सजा दे तो फिर कोई छोटी चीज़ भी नहीं बचती, और नहीं तुम आजिज़ करने वाले यानी अल्लाह को हम हरा सकते हैं, डिफीट कर सकते हैं ज़मीन में, और नहीं तुम्हारे लिए सिवाय अल्लाह के कोई दोस्त और ना कोई मददगार। और उसकी निशानियों में से है कश्तियाँ समंदर में पहाड़ों की तरह, अगर वो चाहे थमा दे हवा को तो वो रह जाए थमी हुई उसकी पुश्त पर, यानी अगर हवा नहीं चले तो समंदर में कश्तियाँ ना चले। यकीनन इसमें अलबत्ता निशानियाँ हैं वास्ते बहुत सब्र करने बहुत शुक्र करने वालों के, यानी बहुत सब्र करने वाले बहुत शुक्र करने वाले तमाम कायनात में निशानियाँ देख सकते हैं। या हलाक कर दे उनको बवजह उसके जो उन्होंने कमाई की, और वो माफ़ कर देता है बहुत सी चीज़ों को। और जान लेंगे वो लोग जो झगड़ते हैं हमारी आयात में, नहीं उनके लिए कोई बचने की जगह, बस जो भी दिए गए तुम कोई चीज़ तो सामान है दुनिया की ज़िंदगी का, यानी जो भी हमारे पास एक टेम्प्ररी है, और जो अल्लाह के पास है बेहतर है और ज़्यादा बाकी उन लोगों के लिए जो ईमान लाए और अपने रब पर वो तवक्कल करते हैं। और वो लोग जो बचते हैं बड़े गुनाहों से और बेहयाई की बातों से, और जब वो गज़बनाक होते हैं तो वो दरगुजर कर जाते हैं। कौन? ईमान वाले और अल्लाह पे तवक्कल करने वाले, उनके क्वालिटीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। तो वो बड़े गुनाहों से दूर रहते हैं, बेहयाई की बातों से दूर रहते हैं, और जब गुस्सा आता है तो दरगुजर करते हैं। और वो लोग जो हुक्म मानते हैं अपने रब का और कायम करते हैं नमाज, और उनके मामलात आपस में मशवरे से होते हैं, यानी आपस में हर चीज़ मशवरे से करते हैं। तो मशवरा सब बहुत अच्छी चीज़ है, और शरीयत में भी कोई भी चीज़ मशवरे से करने की बात है, चाहे वो फैमिली में हो, हस्बैंड वाइफ के बीच में हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन में हो, बड़ी फैमिली में जो है एक्सटेंडेड फैमिली में जो है कोई डिसीजन की बात हो, या इवन बच्चों का शादी का मामला हो या बिजनेस का मामला हो, तो सब चीज़ मशवरे से होना चाहिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी तरीक़ा हमेशा ये रहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा अकराम से मशवरा करके ही काम करते हैं। तो अल्लाह पे तवक्कल करने वाले मशवरा करके काम करते हैं, और उसमें से जो रिज़्क़ दिया हमने उनको वो खर्च करते हैं। और वो लोग जब पहुँचती है उनको कोई ज़्यादती यानी कोई तकलीफ़ होती है, वो बदला लेते हैं। यानी ईमान का तकाजा ये भी है कि आप जो है ना परेशानी आए तो भागना नहीं है, उसको फेस करना है, डिफेंड करना है। बदले का मतलब ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, लेकिन ईंट का जवाब ईंट से देना है। मुसलमान शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू डिफेंड हिमसेल्फ, और बदला बुराई का बुराई है उस जैसी, यानी जितने का उतना। बस जो कोई दरगुजर कर जाए और इस्लाह करे तो अज्र उसका जिम्मे है, यानी अगर माफ़ कर दे, इस्लाह करे, सही मामला करे, और ईंट का जवाब ईंट से भी ना ले लेकिन फेस करे और अपने आप को डिफेंड करे, तो ये बेहतर है। बेशक वो नहीं मोहब्बत करता जालिमों को, लेकिन जुल्म बिल्कुल भी नहीं करना है। और जो कोई बदला ले बाद इसके जुल्म के, तो यही लोग नहीं है उन पर कोई रास्ता, यानी बदले के बदले बदला लिए तो उनकी कोई पकड़ नहीं है। बेशक रास्ता उन लोगों पर है जो जुल्म करते हैं लोगों पर, यानी जुल्म करें तो फिर उसकी पकड़ है, और बगावत करते हैं ज़मीन में ना हक, यही लोग उनके लिए अजाब है दर्दनाक। और अलबत्ता जिसने सब्र किया और माफ़ कर दिया, बेशक ये अलबत्ता हिम्मत के कामों में से हैं। और जिसको गुमराह कर दे अल्लाह ताला तो नहीं उसके लिए कोई दोस्त इसके बाद। और तुम देखोगे जालिमों को, जब वो देखेंगे अजाब वो कहेंगे क्या पलटने की तरफ कोई रास्ता है,
क्या या हम दुनिया में दोबारा जा सकते हैं और इस्लाह कर सकते हैं, ये पूछेंगे और तुम देखोगे वो पेश किए जाएंगे उस पर, यानी जहन्नुम पर झुकने वाले या फिर दबने वाले जिल्लत की वजह से, यानी क्योंकि दुनिया में तकब्बुर किए वहाँ पे जलील किए जाएंगे, वो देखेंगे पोशीदा नजर से, चुतौर नजरों से वहाँ देखेंगे और कहेंगे वो लोग जो ईमान लाए बेशक पसारा पाने वाले वो लोग हैं जिन्होंने पसारे में डाला अपने नफ्सों को और अपने घर वालों को क़यामत के दिन, खबरदार बेशक जालिम लोग दायमी अजाब में होंगे ना परमानेंट, और ना होंगे उनके लिए कोई मददगार जो मदद करेंगे उनकी अल्लाह के सिवाय, और जिसको भटका दे अल्लाह ताला तो नहीं उसके लिए कोई रास्ता। मान लो अपने रब के लिए इससे पहले कि आ जाए एक दिन, नहीं फिरना उसके लिए अल्लाह की तरफ, यानी कयामत आने से पहले ईमान ले आओ और मान लो, नहीं तुम्हारे लिए कोई जायपना उस दिन, यानी कहीं भाग के नहीं जा सकते, और नहीं तुम्हारे लिए कोई इनकार करना। फिर अगर वो एराज बरते तो नहीं भेजा हमने आपको उन पर निगहबान, यानी अगर कोई क़यामत से इनकार करे, कुरान से इनकार करे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकार करे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी उनको ज़बरदस्ती पकड़कर इस्लाम पर डालना नहीं है, नहीं आपके ज़िम्मे मगर पहुँचा देना। आपका काम सिर्फ अल्लाह का मैसेज पहुँचाना है। जब चखाते हैं हम इंसान को अपनी तरफ से कोई रहमत, खुश हो जाता है वो उस पर, और अगर पहुंचती है उनको कोई तकलीफ बवजह उसके जो आगे भेजा उनके हाथों ने। अब देखिए बार बार यही आ रहा है कि इंसान को कोई तकलीफ पहुंचती है तो उसके अपने अमाल की वजह से, तो बेशक इंसान सख्त नाशुक्रा है। अल्लाह ही के लिए है बादशाहत आसमानों की और ज़मीन की, वो पैदा करता है जो वो चाहता है, अता करता है जिसके लिए चाहता है लड़कियाँ, और अता करता है जिसके लिए चाहता है लड़के, या मिला जुला कर देता है उनको लड़के और लड़कियाँ, और बना देता है जिसको चाहता है बांझ, यानी ये भी अल्लाह की कुदरत से है। अल्लाह जिसे चाहे बेटे देता है, जिसे चाहे बेटियां देता है, जिसे चाहे दोनों देता है, जिसे चाहे कुछ भी नहीं देता है। बेशक वो इल्म वाला है, यानी अल्लाह को पता है किसको क्या देना है, और कुदरत वाला है, यानी ये देने की कुदरत भी सिर्फ अल्लाह ताला रखता है, और नहीं है किसी बशर के लिए कि कलाम करेगा उससे अल्लाह ताला ने डायरेक्ट, मगर वही की तौर पर जिस तरह रसूलों पे किया, या पर्दे के पीछे से जैसे मूसा अलैहिस्सलाम और आप से किया, या वो भेजे कोई पहुंचने वाला जैसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम को रसूलों के पास भेजा, तो वही के साथ उसकी इज्न से जो वो चाहे, यकीनन वो बुलंद है हिकमत वाला है। और इसी तरह वही की हमने आपकी तरफ एक वही को, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जिब्राइल अलैहि सलाम के थ्रू कुरान को किया अपने हुक्म से, यानी अल्लाह के हुक्म से। ना था तू जानता किताब क्या है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो क्या किताब है क्या कुरान है नहीं पता था, और ना ईमान, लेकिन बनाया हमने उसको यानी कुरान को नूर, यानी एक ऐसी लाइट जिसमें राइट एंड रॉन्ग पता चले, राह दिखाते हैं हम साथ इसके जिसको हम चाहते हैं अपने बंदों में से। तो अब जो इस किताब को पकड़ लेगा राइट पाथ पे वो निकल जाएगा, और बेशक आप हिदायत है सिराते मुस्तकीम की तरफ, रास्ता अल्लाह का वो ज़ात उसके लिए है जो आसमानों में और जो ज़मीन में है, खबरदार अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं तमाम मामला, यानी सारे रिपोर्ट्स अल्लाह ताला की तरफ जाएंगे। सूरह ज़ुख़रुफ़ शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और बार बार रहम करने वाला है। हामीम हुर्रत मुक़त्तियात है, कसम है वाज़े किताब की, यानी कुरान की यहाँ पे कसम खाई जा रही है, कसम के बारे में पहले भी ली, मतलब कुरान इटसेल्फ गवाह है। बेशक हमने बनाया हमने उसको कुरान अरबी में ताकि तुम समझ सको, और बेशक वो उम्मुल किताब है यानी लोहे महफूज में किताब है, हमारे पास अलबत्ता बुलंद है हिकमत से लबरेज है। क्या भला हम छोड़ दें तुमसे जिक्र करना, यानी कुरान की बात बताना, दरगुजर करते हुए कि हो तुम एक कौम हद से बढ़ने वाले, यानी तुम मुखालफत करते हो तो क्या हम, यानी अहले मक्का को कहा जा रहा है, तुम मुखालफत करते हो तो क्या हम कुरान भेजना छोड़ दें, और कितनी ही भेजी हमने नबियों में से पहलों में, यानी पहले, ये कोई अजीब बात नहीं है कि आप जैसे उनके पास कुरान आई, पहले नबियों के पास भी वही आई, और नहीं आया उनके पास कोई नबी मगर वो थे साथ इसके मजाक उड़ाते। तो हलाक कर दिया हमने सबसे ताकतवर को उनमें से, यानी अहले मक्का से भी ज़्यादा ताकतवर कौमें थे, उनको अल्लाह ताला ने हलाक कर दिया पकड़ में, और गुजर चुकी मिसाल पहलों की। और अलबत्ता अगर तुम पूछो उनसे किसने पैदा किया आसमानों को ज़मीन को, अलबत्ता वो ज़रूर कहेंगे पैदा किया इनको ज़बरदस्त गालिब इल्म वाले ने, जिसने बनाया तुम्हारे लिए ज़मीन को बिस्तर और बनाया तुम्हारे लिए इसमें रास्ते ताकि तुम हिदायत पाओ, और वही ज़ात है जिसने नाजिल किया आसमान से पानी और सात अंदाजे के, फिर जिंदा किया हमने साथ इसके मुर्दा ज़मीन को, इसी तरह हम निकाले जाओगे। और वो ज़ात जिसने बनाए जोड़े सारे के सारे इसके, और उसने बनाया तुम्हारे लिए कश्तियों में से और मवेशियों में से जो तुम सवारी करते हो ताकि तुम चढ़ बैठो उनकी पुश्तों पर, फिर तुम याद करो अपने रब की नेमत को जब सवार हो तुम उस पर, और तुम कहो
पाक है वो ज़ात जिसने मुतक़र किया हमारे लिए इसको और न थे हम इसके लिए काबू में लाने वाले। डेफिनेटली आप देखिए जब हम किसी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं इट कैन बी सो डिस्ट्रक्टिव, बट अल्लाह सुबहान ताला ने इंसान को ऐसी सलाहियत दी कि वो अपने कंट्रोल में लेकर उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है, वेदर इट इज़ एनिमल्स टू एनी जो है व्हीकल। और बेशक हम अपने रब की तरफ अलबत्ता पलटने वाले हैं। जब हम सफ़र पर जाते हैं किसी भी सफ़र पर, वो सफ़र टेम्प्रेरी होता है लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन हमारा अल्लाह के पास पहुंचना है। और उन्होंने बना दिया उसके लिए अपने बंदों में से एक हिस्सा यानी अल्लाह के लिए बेटियां बना दिया, बेशक इंसान अलबत्ता ना शुक्रा है खुल्लम खुल्ला। या उसने इंतखाब कर लिया यानी चुन लिया उसमें से जो पैदा करते हैं बेटियां, चुन लिया तुमने 7 बेटों के, हालांकि जब खुशखबरी दी जाती है उनमें से किसी एक को साथ उसके जो उसने बयान किया रहमान के लिए मिसाल हो जाता है, उसका चेहरा स्याह और वो गम के घूंट पीने वाला होता है। क्या भला जो पाला जाता है जेवरात में और वो झगड़े में गैर वाजे हो। यहाँ पर जो वो लोग जो बेटियों की पैदाइश को अच्छी नहीं समझते वो लोग अल्लाह की बेटियाँ बनाएं, और वो लोग कहते हैं कि बेटियों को हम क्यों, यानी वो इतने नाजुक होते हैं, झगड़े में हमारा साथ भी नहीं दे सकते, जंगों में साथ नहीं दे सकते, दुश्मनों के खिलाफ साथ नहीं दे सकते, उनको मीरास क्यों दे। और उन्होंने बना लिया फरिश्तों को, उनको वो जो बंदे हैं रहमान के यानी फरिश्ते जो अल्लाह के रहमान हैं उनको बेटियाँ यानी मलाइका जो है फेमिनाइन है, ये कहाँ से साबित है? क्या वो गवाह थे उसकी साख्त पर या उनकी तख्लीक पर? यानी वो लोग क्या गवाह थे जब उनकी पैदाइश हुई कि दे आर फेमिनाइन? ज़रूर लिखी गई उनकी गवाही, यानी जो अपने मुंह से बोल रहे हैं वो लिखा जा रहा है और वो पूछे जाएंगे, एंड दिल बी आस्ड अबाउट इट एंड दे विल बी अकाउंटेबल फॉर वॉट एवर दे आर सेइंग। और वो कहते हैं अगर चाहता रहमान ना हम इबादत करते उसकी नहीं, उनके लिए साथ उसकी कोई अल नहीं, वो मगर अंदाजे लगा रहे हैं। या दी हमने उनको एक किताब इससे पहले यानी कुरान से पहले तो वो उसको पकड़ रहे हैं, यानी ये जो बातें कर रहे हैं क्या अल्लाह ताला ने उनके पास कोई ऐसी किताब नाजिल की जिसके उसमें जो है ये बातें कर रहे हैं? बल्कि उन्होंने कहा और बेशक हम पाया हमने अपने आबा अजदाद को एक तरीके पे, बल्कि वो उनके आबा अजदाद एक भटके हुए तरीके पे थे उसको फॉलो कर रहे हैं, और बेशक हम उनके नक्शे कदम पर हिदायत याफ्ता है, यानी उनके फुटस्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि हिदायत याफ्ता है। इसी और इसी तरह नहीं भेजा हमने आपसे पहले यानी आपसे उनसे पहले किसी बस्ती में कोई डराने वाला, मगर कहा उसके कुछ हाल लोगों को, बेशक हमने पाया हमने अपने आबा अजदाद को एक तरीके पर और बेशक हम उनके नक्शे कदम पर पैरवी करने वाले हैं। उसने कहा यानी नबी ने, क्या भला अगर मैं लाया हूँ तुम्हारे पास ज्यादा हिदायत वाला इससे जो पाया तुमने अपने आबा अजदाद को, यानी एक बेटर चीज जो तुम्हारे आबा अजदाद कर रहे थे उससे क्या मैं बेटर लेकर आया तो भी तुम क्या अपने आबा अजदाद को फॉलो करेंगे? उन्होंने कहा बेशक हम साथ इसके जो भेजे गए तुम साथ इसके इनकार करने वाले हैं, बस इंतकाम लिया हमने उनसे यानी अल्लाह ताला ने इनकार करने वालों का, तो देख लो किस तरह हुआ अंजाम झुटलाने वालों का। واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك। अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो YouTube पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। या आशिक मुस्तफा अबशर बिनैल मुना, या आशिक मुस्तफा अबशर बिनैल मुना, قد راقك الصفا صفا الصفا وطاب وفد الحنان، قد راقك الصفا